ये वार्तालाप करती रही और मुझे अच्छा लगता था जब मेडिटेशन हॉल में बना, पहले जब विदेश में थी मेडिटेशन हॉल नहीं था, वहां से जब आई तो मेडिटेशन हॉल बना था, उसके नीचे गैराज थी या जहां बगीचा है वहां गैराज थी, पहले 2 मिनट वहां वेट करती थी। आज बाबा कि बात पर, कौन सी बात पर विचार किया है, पीछे क्लास में चले गए। यानी ज्ञान का मंथन करना, अच्छी अच्छी बातें आपस में करना दीदी ने सिखाया, और कभी बात आपस में नहीं की होगी, नहीं, नेवर। योग क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है, तो जो हम बड़ों से सीखा है, बिरजेंद्रा से सीखा, सबसे सीखा है, दादी से सीखा है, गुलजादा जी सीख रही हूं सुबह शाम, तो मेरे को पहले जब ज्ञान में आई तो कुछ लोगों ने पूछा लौकिक, कब तक तुम्हारा कोर्स रहेगा? मैंने कहा मुझे ये कोर्स करना है थोड़ा, कब तक रहेगा? मैं जहां तक जिएंगी तब तक रहेगा, मुझे थोड़ी पता है तरह हम जिएंगी, जहां तक जिएंगी तब तक रहेगा, ऐसे जवाब जो कोई मेरे से पूछे भी नहीं। मैंने समझा मर गई, तुम काहे को मेरे से पूछते हो? और घर छोड़ने में दीदी पहला नंबर गई, पहले घमसान जो हुआ ना सारा, रत्नमिंद दादी जानती है अच्छी तरह से, वो बताती कम है, मैं तो बता रह नहीं सकती हूँ ना। तभी कल भाइयों के बीच में कहा दीदी को, दीदी मुझे बाबा के अव्यक्त होने के पहले, अव्यक्त होने के बाद, साकार बाबा व्यक्त साकार में होते बोलना सिखाया, बाबे में सिखाया, ये सिखाया वो। जब बाबा अव्यक्त हुआ, दीदी दादी ने जो दीदी वाली रूम थी ना वहां बुलाया, कहा भी तुमको पूना छोड़ के यहां रहना पड़ेगा। मैं कर दादी यहां रहना पड़ेगा ना, बाबा की मुरली तो दादी, बाबा ने डायरेक्शन दिया मुरली दादी सुनाएंगी, तुमको क्लास कराना है। दीदी मैं क्या, मैं बताएंगी ना क्लास कराना है, रोज क्लास के लिए हिंट दीदी देती थी। पर कमल मनी को अभी तक वो भान आता है, उनसे पूछती थी ठीक सुनाया इसने, कमल मनी को सब बातें याद है। फिर मुझे करेक्शन नहीं करती थी, ये बात और स्पष्ट करना, जी जी जी। तो सेवा में उमंग गुलास में सदा रहना, बाबा की सब बातों को, बाबा की उम्मीदों को पूरी करना। वो दीदी ने मुझे अच्छी तरह टुक टुक करके घर घर कह दिया, तुम करेंगी दीदी, तुम आपके नहीं, अपने लिए कहेंगे, घर जाना है, घर जाना है, सारा दिन घर जाने की धुन लगा के बैठी थी। प्यार तो।